हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम करेंगे CBSE की छठे क्लास की साइंस की बुक का तीसरा चैप्टर, तंतु से वस्त्र तक। इसके हम करेंगे प्रश्न उत्तर। तो आइए देखते हैं कि आपका जो पहला प्रश्न है वो क्या है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक तथा संश्लिष्ट में वर्गीकृत कीजिए। तो ये जो तंतु दिए गए हैं यहाँ पर, आपको बताना है ये किस से बने होते हैं, प्राकृतिक रूप से बने हुए हैं या इनको बनाया गया है। तो प्राकृतिक तंतु इसमें कौन कौन से हैं, ऊन है, रुई है, रेशम है और पटसन है। और जो संश्लिष्ट तंतु हैं जो कि कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं, वो हैं नायलॉन और पॉलिस्टर। तो प्राकृतिक तंतु हो गए ऊन, रुई, रेशम और पटसन, संश्लिष्ट तंतु हो गए नायलॉन और पॉलिस्टर। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य, उल्लेख कीजिए। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। पहला है, तंतुओं से तागा बनता है, ये बात सही है। फिर है, कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है, ये गलत है। जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, ये बात असत्य है, गलत है। फिर है, रुई से बिनौले बीज हटाने की प्रक्रिया को हम ओटना कहते हैं, ये बात सत्य है। फिर है, तागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है, तो हाँ ये सही है। रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है, रेशम तंतु जो होता है वो किसी पादप के तने से प्राप्त नहीं होता, तो ये गलत है, असत्य है। फिर है, पॉलिस्टर एक प्राकृतिक तंतु है, तो पॉलिस्टर प्राकृतिक नहीं है, कृत्रिम है, तो ये बात गलत है। तो पहला सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा असत्य, चौथा सत्य, पाँचवा सत्य, फिर असत्य, और फिर जो पॉलिस्टर है वो एक प्राकृतिक तंतु है, ये भी गलत है। का तीसरा प्रश्न है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, और रिक्त स्थान से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं, तो रुई और पटसन से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। फिर है, और जांतव तंतु हैं, तो रेशम और ऊन क्या हैं, जांतव तंतु हैं, जानवरों से प्राप्त किए जाते हैं। और रुई और पटसन जो हैं वो पौधों से प्राप्त किए जाते हैं, तो रुई और पटसन से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं, और रेशम और ऊन जांतव तंतु हैं। फिर अगला प्रश्न है कि रुई तथा जूट पटसन पादप के किन भागों से प्राप्त होते हैं। तो रुई और जूट जो पौधे होते हैं उनके कौन से भाग से प्राप्त होता है, तो कपास के फलों से कपास प्राप्त की जाती है, जिसे कपास गोलक भी कहा जाता है। और जूट का तंतु जूट के पौधे के तने से प्राप्त होता है, तो जूट का तंतु जो है वो जूट के पौधे के तने से प्राप्त होता है। और जो कपास होती है तो कपास के फलों से कपास प्राप्त की जाती है, जिसे हम कहते हैं कपास गोलक, जो कि रुई बनाई जाती है जिससे। फिर अगला प्रश्न है कि नारियल तंतु से बनने वाली दो वस्तुओं के नाम बताइए। तो जो नारियल होता है उसके जो तंतु होते हैं उससे दो चीज़ें जो बनाई जाती हैं वो हैं चटाई और रस्सियाँ। फिर आपका अगला प्रश्न है कि तंतुओं से तागा निर्मित करने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। तंतुओं से तागा कैसे बनाया जाता है, तो तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं कताई। तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया कहलाती है कताई। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, कपास के एक पुंज से रेशों को खींच कर ऐंठते हैं। तो जो कपास का एक पुंज होता है उससे हम क्या करते हैं, रेशों को खींचते हैं, उसको ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे क्या होता है, पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। तो कताई के लिए तकली और चरखे जैसे सरल उपकरण हैं उनका उपयोग किया जाता है। तो बड़े पैमाने पर बड़ी कताई मशीनों का उपयोग किया जाता है। तो काफ़ी सारा हमें धागा बनाना है अगर, तो हम बड़ी बड़ी मशीनें हैं उनका प्रयोग करते हैं। तो कैसे बनाते हैं, तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया को हम कताई कहते हैं। और इस प्रक्रिया में क्या होता है, कपास के एक पुंज से जो रेशा होता है उसको खींचा जाता है, फिर ऐंठा जाता है। इससे क्या होता है, रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर। आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल अस एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।